आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज से कुछ ही दिन पहले हमने एक स्टोरी पब्लिश की थी। इस कहानी के पहले भाग में अब तक आपने जाना कि कैसे नेपाल ट्रिप पर जा रहे हम चार दोस्तों की कार एक सुनसान रोड पर बंद पड़ जाती है, जहां से कुछ ही दूरी पर हमें एक घर दिखता है। लिहाजन हम लोग मदद के तौर पर हम उस घर के दरवाजे पर गए, जहां हमें उस आदमी ने घर के अंदर बुला लिया, जिसके बाद आधी रात को एक तेज आवाज़ से मेरी नींद खुल जाती है, जिसके बाद मैंने जो देखा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के दूसरे भाग की तरफ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। तो चलिए बढ़ते हैं। उन लाशों को इस तरह उस कमरे में तैरता देख मेरे पसीने छूट गए, जिसके बाद मैं तुरंत ही बिना वक्त गवाए उस कमरे में पहुंचा, जहां मेरे बाकी के दोस्त सो रहे थे। उस कमरे में जाते ही मैंने सबको पारी पारी करके उठाना चालू कर दिया। सारे दोस्तों को उठाने के बाद मैंने उन्हें पूरी बात बताई, जिस पर पहले तो उन लोगों ने मेरी बात को यह कहकर टाल दिया कि तूने कोई सपना देखा होगा। मगर फिर हमारी इस बातचीत के दौरान हमें दोबारा से वही आवाज़ आई, जिस तेज आवाज़ से मैं अभी थोड़ी देर पहले भाग कर आया था। इस आवाज़ को सुनते ही मेरे बाकी के दोस्त हैरान रह गए, जिसके बाद मैं उन सब लोगों को उन लाश वाले कमरे के पास ले गया। उन लोगों ने भी की होल से वही नज़ारा देखा जो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से देख कर गया था। इतना सब देख लेने के बाद मेरे बाकी के दोस्त भी बेहद ही डर गए, जिसके बाद हम लोगों ने उसी वक्त यह घर छोड़ने का तय किया। हम सारे दोस्त अपना अपना बैग लेकर दबे पैर उस घर से निकल ही रहे थे कि तभी मेरे आंखों में एक तेज रोशनी टकराई। मैंने उस चमकाहट की तरफ पलटकर देखा तो वो एक कांच का पत्थर था जो बहुत ही तेजी से चमक रहा था। मैंने इससे पहले कभी भी इतनी तेज चमकाहट नहीं देखी थी, जिस वजह से मैंने उस पत्थर को अपने हाथों में लिया। इसी बीच मेरे बाकी के दोस्त मुझे इशारा करके बुलाने लगे, जिस वजह से मैंने जल्दबाजी में मैंने वो कांच का पत्थर अपने पैंट के पिछले जेब में रख लिया। उस घर से बाहर निकलते ही हमने तय किया कि हम सड़क के रास्ते से नहीं भागेंगे, क्योंकि सड़क के रास्ते से जाने पर हम आसानी से उस आदमी और उस औरत की नज़रों में आ जाते, जिस वजह से हमने जंगल वाले रास्ते पर से जाना ठीक समझा। लिहाजन हम लोग साहिल की कार को वहीं छोड़कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगे। अब तक हम लोग बहुत डर चुके थे और अब डर के मारे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। अब हम लोग पैदल चलते हुए उस घर से काफ़ी दूर आ चुके थे और अब हमारे पैर दुखने लगे थे, जिस वजह से हमने कुछ देर यहीं रुककर आराम करने का तय किया। मैं वहीं एक पेड़ पर अपना शरीर टिकाकर खड़ा हो गया और अपने जेब से मोबाइल निकाला, यह देखने कि फ़ोन में नेटवर्क है या नहीं, मगर अभी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। मैंने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए मेरे बाकी के दोस्तों को अपना फ़ोन चेक करने को कहा। उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उनके भी फ़ोन में नो सिग्नल बता रहा था। थोड़ी देर वहीं आराम करने के बाद हम लोग आगे बढ़ने के लिए वापस अपनी जगह से उठे। मैं उस पेड़ से अपना शरीर को अलग करके सीधा खड़ा हुआ कि तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई। तुम लोगों को मैंने बाहर आने से मना किया था ना? इस आवाज को सुनते ही हमारे पैर वहीं जम गए और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हिम्मत बांधकर हमने पीछे पलटकर देखा तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे पीछे वही औरत और आदमी थे, मगर इस बार उनकी शक्ल काफ़ी खौफनाक थी।
वो दोनों औरत आदमी बड़े ही भयानक मुस्कुराहट के साथ हमें एकटक देखे जा रहे थे। इसी बीच मेरे एक दोस्त ने भागने की कोशिश की, जिस पर उस आदमी ने मेरे उस दोस्त को गले से उठाकर पटक दिया। यह सब देखकर मैं और मेरे बाकी के दो दोस्त बहुत डर गए। अब हमने अपने बचने की उम्मीद छोड़ दी थी और अब हम किसी चमत्कार का ही वेट कर रहे थे। वो दोनों औरत आदमी हमारी तरफ बढ़े आ रहे थे और हम उनसे बचने के लिए अपने कदम पीछे लिए जा रहे थे। इसी बीच मेरा एक पैर एक पेड़ के जड़ से जा टकराया, जिससे मैं पीठ के बल जमीन पर जा गिरा। मेरे जमीन पर गिरते ही किसी चीज के टूटने की आवाज़ आई, जिसके साथ ही वो दोनों औरत आदमी हवा में धुआं हो गए। मैं जमीन पर से उठकर खड़ा हुआ और अपने पीछे वाली जेब में हाथ डालकर देखा तो वो कांच का पत्थर, जिसे मैं उस घर से निकलते वक्त लेकर आया था, वो अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था और अब उसकी चमकाहट भी खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर उस जंगल में वक्त बिताने के बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही चार पांच लोग वहां पहुंचे, जो शायद लकड़ी काटने आए थे। हमने उन लोगों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने बताया कि दरअसल वो आदमी और औरत बहुत साल पहले इसी घर में रहा करते थे, मगर एक रात गुंडों ने लूटपाट करने के बाद उन दोनों को जान से मार दिया, जिसके बाद उन दोनों की आत्मा उसी घर के आसपास भटकती है और वहां से गुजरने वालों को अपना शिकार बनाती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि जैसा कि हर आत्मे की जान एक चीज में अटकी होती है, वैसे ही उन दोनों की जान उस कांच के पत्थर में अटकी थी, जो अनजाने में मेरे से टूट गई, जिस वजह से हम उस रात मौत के मुंह से बाहर निकल आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।